परसों पता है अमित शाह ने पुलिस वाले हमारे दिल्ली पुलिस को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा आंदोलन को भंग कर दो। आंदोलन भंग हो गया ये सरासर पुलिस दिवस। आप एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं कह रही है, अभी वो बीजेपी में जाके बैठी है ना, उसी लिए उनके बयान आ रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन देते हैं और इसको बहुत बड़ा आंदोलन मनाते हैं और खेलो इंडिया भी बोलते हैं। तो खेलो इंडिया आज वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे, वो तो सिर्फ डर रहे कहीं हमारा सपोर्ट ना खत्म हो जाए 2024 में, हम झोला पकड़ के ना पहुंच जाए। और मोदी कहते हैं विनेश तू तो मेरे घर की है, गुस्सा क्यों हो रही है, तू तो मेडल लेके आई हुई है। और आज वो मन की बात में बेटी की बात नहीं कर रहे, वो कि उनके बहू बेटों को हम पैसा देंगे तो वो अपने ऊपर यौन शोषण की जिम्मेदारी लेके यहाँ धरना देने की औकात है क्या उनकी? उन जीव जंतु से मैडम आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे मीडिया वालों को वो गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रशेखर राव जी कल आए थे और 7 दिन का टाइम दिया, अगर 7 दिन के तक के हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो यहाँ पे पूरा जो संसद भवन है पूरा जाम हो जाएगा। सिंह और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज 13 दिन हो चुके हैं महिला जो रेसलर हैं यहाँ पे धरना देते हुए, आज 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं वही हलचल जो पहले दिन था वही आज 13वें दिन भी है। मेरे साथ कुछ युवा है वो बहुत गुस्से में है, क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलेगा? आप लोग सबसे पहले तो आप ये पोस्टर देखिए कि बेटी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम भारत के लोग, ये पोस्टर है। ये भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ मैम। एक तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये पोस्टर से आप पूरे नागपुर की तरफ से आप आए हैं? हाँ मैं। अपने शीशा कैसे टूट गया आपका? जिस दिन पुलिस से झड़प हुई थी उस दिन शीशा टूट गया था। अच्छा जी हाँ। तो आप नागपुर से कितने दिन से यहाँ पे? आज का मेरा 5th डे है। 5th डे है और अभी कब तक रहेंगे? जब तक कि इन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिले तब तक हम यहीं पे हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है कब तक इंसाफ मिलेगा? 13 दिन तो हो चुका है। 13 दिन हो चुका है अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और हम लोगों ने चंद्रशेखर राव जी कल आए थे और 7 दिन का टाइम दिया, अगर 7 दिन के तक के हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो यहाँ पे पूरा जो संसद भवन है पूरा जाम हो जाएगा, हजारों के तादाद में पब्लिक रहेगी। अभी 1000 पब्लिक तो कम से कम राजनीति मोर ले रहा है ये। हाँ? राजनीति मोर ले रहा है ये। नहीं राजनीति को कौन कहता है कि ये राजनीति मोड़ इस आंदोलन को वही लोग ला रहे हैं। अभी इस पूरी भीड़ में ना इस पूरे आंदोलन में कुछ जीव जंतु और अराजक तत्व घूम रहे हैं जो उंगली कर रहे हैं और इसको इस तरीके से बता रहे हैं कि राजनीतिक बन रहा है, पर नहीं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना सच्चे दिल से महिलाओं का महिला खिलाड़ी का समर्थन कर रहे आ रहे हैं। उन जीव जंतु से मैडम आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे मीडिया वालों को वो गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे गलत चीजें यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग भाई नागपुर से है, मैं दिल्ली से हूँ और वैसे बिहार में जन्मा वैशाली में हूँ, भाई यूपी से आए हुए, परंतु हम लोग सच्चे मन से यहाँ पे आए हुए। पर इन जीव जंतुओं से आपको भी यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप भी उनसे सावधान रहे, क्योंकि ये लोग अराजक तत्व है। कुछ लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको पैसे दिए गए कांग्रेस की तरफ से क्योंकि चुनाव होने वाला है। इनको कौन देगा मैडम? किसी महिला के साथ अगर गलत शोषण होगा गलत काम होगा तो पैसे पे आके यहाँ बैठेंगी, सड़क पे बैठेंगी, बरसात में बैठेंगी, ये कोई नहीं है। ये अपने न्याय की मांग कर रही है और हमारे देश के जितने भी युवा हैं, किसान भाई हैं, जवान भाई हैं, कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, या फिर वो यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इन लोगों को पैसे दे के बुलाया गया नहीं क्या, तो मैं यही मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि इनको करोड़ों रुपए जो जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्हें पैसे दे के बुलाया गया है, तो मैं कहता हूँ ना कि उनके बहू बेटों को हम पैसा देंगे तो वो अपने ऊपर यौन शोषण की जिम्मेदारी लेके यहाँ धरना देने की औकात है क्या उनकी? सबसे पहला बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। बहुत जहाँ जो लोग अगर बोल रहे हैं कि पैसा लेके आए हैं ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पैसा अगर उनकी औकात है तो पैसा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो किसान आंदोलन, जैसा कि ये लग रहा है कि किसान आंदोलन दो, सुनो 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 पहले सवाल सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन दो है, ये वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो किसान आंदोलन में भी रहते हैं, तमाम रैलियों में ये लोग नजर आते हैं, वही लोग यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं बता दूं, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं टूल किट, और वही जो लोग हैं ना जो
जो हम देख पा रहे हैं, हमें कह रहे हैं टूल किट, वो वही लोग हैं जो इन्हें राजनीति के कहते हैं, पर परंतु ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो वो होता है जो देश के जवान के लिए भी खड़ा है और देश की बेटी के लिए भी खड़ा है। तो इसको टूल किट ना बोले, क्योंकि हम जितने भी छात्र हैं और जितने भी यहाँ पे किसान आ रहे हैं ना, बेटी के समर्थन में आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ मैडम, जो आप पत्रकार हैं ना, आपको भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद जब ये देश को मेडल लाके देती हैं, तब तो कोई नहीं बोलता कि ये जाट है, तब तो बोलते हैं कि ये तो हरियाणा से है, तब तो कोई नहीं बोलता, तब बोलते हैं देश की बेटी है। और मोदी कहते हैं विनेश तू तो मेरे घर की है, गुस्सा क्यों हो रही है, तू तो मेडल लेके आई हुई है। और आज वो मन की बात में बेटी की बात नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे वो मन की बात में, देश की बेटी के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे वो। और जब मेडल लेके आती है तो बोलते हैं हमारा छाती 56 इंच का है, वो 56 इंच का जब वो चौड़ा करते हैं, क्योंकि हमारी जो देश की बेटी है ना मेडल लेके आती है। बजरंग पुनिया जी कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं बोले कि डर रहे हैं वो, प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे, वो तो सिर्फ डर रहे हैं कहीं हमारा सपोर्ट ना खत्म हो जाए 2024 में, हम झोला पकड़ के ना पहुंच जाए। जहाँ से आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई, गुजरात से आए हैं और कहाँ से आए हैं, तो उन्हें डर है कि हमें दोबारा वहीं ना जाना पड़ जाए। और चाय, चाय बेचने की बात बोलते हैं तो चाय उन्होंने पता नहीं बेची ना बेची, मेरे को तो याद नहीं है, परंतु अब वो देश जरूर बेच रहे हैं। अभी तो बहुत आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री पे, तो आरोप तो सही है मैडम। मैं प्रधानमंत्री से दिक्कत है या बृजभूषण सिंह से, बृजभूषण से दिक्कत है। आपने अगर बात करी है ना, तो यहाँ पे बृजभूषण की जो बात तो हो रही है, सिर्फ यहाँ बृजभूषण की, भाजपा की कोई बात नहीं हो रही। प्रधानमंत्री की बात मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन देते हैं और इसको बहुत बड़ा आंदोलन मनाते हैं, और खेलो इंडिया भी बोलते हैं। तो खेलो इंडिया आज वो यहाँ पे धरना दे रही है, बेटी बचाओ बेटी यहाँ पे धरना दे रही है, आंदोलन कर रही है, कहाँ है वो? प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ यही बोलूंगा, अगर आप देश के प्रधानमंत्री है, अगर आप बोलते हैं खेलो इंडिया, अगर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज यहाँ पे हमारी बेटी के साथ यहाँ पे आओ और समर्थन करो। और उनकी पार्टी के तमाम जो महिला नेत्री हैं, उनसे ही मैं बोलूंगा कि वो यहाँ आए और बेटी के साथ यहाँ पे खड़ी रहे, परंतु कोई नहीं आएगा क्योंकि उनके पार्टी के नेता के ऊपर आरोप है, इसलिए नहीं आएंगे। पीटी उषा भी जो कि वो भी खिलाड़ी रह चुकी है, उन्होंने भी बोला ये लोग गलत करें, इन लोगों को सड़क पे नहीं आना चाहिए। तो मैम मेरा कहना ये बताओ है, सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसे आ जाता है मैडम, सड़क पे ये बताओ कोई व्यक्ति ऐसा जाके, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं ये, उन्होंने बोला हमारे पास आना चाहिए था, इनके पास। तो जनवरी, सुनो जनवरी में बैठी थी ये सारी महिला खिलाड़ी, फिर एक कमेटी बनी, कमेटी का क्या हुआ, जब न्याय नहीं मिला जब तो दोबारा बैठी है यहाँ पे, तो पीटी उषा जी ने तब उनको न्याय नहीं दिलाया और अब यहाँ पे कहती है कि भैया कि हमारे पास आना चाहिए, तब तो तुम्हारे पास भी गई होंगी तमाम, ये कहते तमाम उस एजेंसी में गई थी अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहाँ पे पीसी उषा जी बयान दे रही है कि ये लड़कियां देश को कलंकित कर रही है, देश का नाम बदनाम कर रही है, देश का गौरव खराब कर रही है। मेरा उनसे एक कहना है, प्रीति उषा ये खुद एक महिला है, एक महिला होने के तौर पर अगर ये हादसा उनके साथ होता तो ये उनको ये धरना देना पड़ता, वो कहती कि मैं इस देश को खराब कर रही हूँ। हाँ एक बात बताइए ना, क्या वो ये कहती अगर ये हादसा उनके साथ होता तो ये उनके कहने की हिम्मत होती कि मैं देश का माहौल खराब कर रही हूँ? ये सरासर प्रीति उषा अभी एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं कह रही है, अभी वो बीजेपी में जाके बैठी है ना, उसी लिए उनके बयान आ रहे इस तरीके से। और फोगाट भी तो है, बबीता फोगाट इनके समर्थन में नहीं आ रही है, बीजेपी के पक्ष में है। योगेश्वर दत्त है ना, अभी मैं फोटो दिखा दूंगा शायद फेसबुक पे, योगेश्वर दत्त जी उनको ना बोला गया कि वो विधायक है, मतलब शायद ऐसा लड़ सकते हैं वो विधायक भाजपा से, इसलिए वो नहीं आ रहे। अब बताओ योगेश्वर दत्त जी को मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने उनकी खुद ऐसी फोटो देखी है मैंने, जिसमें भाजपा के जो पोस्टर होते ना होर्डिंग, उसमें मैंने उनका देखा है। तो मैं बता दूँ जितने भाजपा के जो समर्थक है अंधभक्त है, वही लोग नहीं आ रहे, बाकी सारे आ रहे हैं। तमाम लोग जो है खाप पंचायत किसान, खाप पंचायत में मैंने यहाँ देखे इतने यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग है, 80-80 साल के, 90-90 साल के, जो बेचारे घर पे बैठे रहते, जिनकी कहीं ना कहीं तबीयत खराब है, परंतु वो बेटी के लिए यहाँ पे आके आवाज उठा रहे हैं। वो यहाँ पे जो 90 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्हें घर पे आराम करना चाहिए, पर वो बेटी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने देखा है ना, मेरा एक कहना है, जिस लोग जो लोग कह रहे हैं ना, जो तत्व कह रहे हैं
ये जो लड़ाई है वो सिर्फ हरियाणा की है, तो मैं उनके मुंह पे झापड़ मार दो। एक बात कह जाता हूँ, ये लड़ाई हरियाणा की नहीं है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, जब हमारे देश के बेटियों ने गोल्ड मेडल लाया था ना, तो वहाँ पे कहीं हरियाणा नहीं लिखा था। उन्होंने जब टोक्यो में रिप्रेजेंट किया था ना, तो उन्होंने एज अ इंडिया रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने तिरंगा, उन्होंने जब वापस आए थे तो तिरंगे को लेके आए थे अपने पीठ के ऊपर। और तिरंगा जो है ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना कि हरियाणा को और ना ही किस जाट समाज को। अगर वो ये आंदोलन जाट कर रहता ना, तो उस टाइम पे जब प्रीति, अपना क्या नाम है इनका, फोगाट नहीं, प्रीति उषा नहीं, अब हाँ फोगाट जी, अपने पुनीत, अपने बजरंग भैया जो मेडल लेके आए थे ना, उस टाइम पे सबने कहा था ये इंडियंस है, उन्होंने देश को संबोधित किया था, उस हिसाब से आज भी ये इंडियंस है। इन्हें आज इस मुद्दे को भटकाने के लिए ना, इन्हें जाट के नाम पे बांटा जा रहा है। और मैं बता दूं, आपके जो न्यूज चैनल है ना, ये यूट्यूब पे अगर वायरल होता है तो एक बात और वायरल कर देना मैडम, क्योंकि जो देश के जो जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं ना, आमिर खान, सलमान खान, आमिर खान बोलता है ये कि हमारी बेटी हमारी छोरिया के छोरे से कम है, और सलमान खान बोलता है सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान। अब वो कितने हैं भाई, अब उनके नाम, अब पहलवानों के नाम से एक ट्वीट नहीं आ रहा। सलमान खान कहाँ गए, आमिर खान कहाँ गए, जब पहलवानों के नाम से वो कमाते हैं अरबों खरबों, और आज पहलवानों के नाम से ट्वीट नहीं कर रहे। किसका डर है उन्हें, भाजपा का डर है या मोदी का डर है, किसका डर है? सुनो सवाल लो, आप लोग खाप पंचायत किसान नेता सबका समर्थन आपको मिल गया, पूरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल चुका है, लेकिन फिर भी ब्रिजभूषण को जेल नहीं हो पाया, क्या लग रहा है? मैडम ब्रिजभूषण को जेल नहीं हो रहा, मैं बता दूं, ब्रिजभूषण तो बाहुबली नेता है, ऐसा सबने भाई बोला है, ब्रिजभूषण बाहुबली नेता है, और वो 6 बार से गोंडा का सांसद है। एक बात इसके फेवर में चलेगी, ये गोंडा से 6 बार का सांसद है, और उसके भतीजा, उसका बेटा, उसके तमाम दामाद सारे भाजपा में, उसकी बीवी भी भाजपा में, तो भाजपा को चुनौती दे रहा है, मैं जेल में गया तो अपना सारा समर्थन खो बैठना, उसको इस डायरेक्ट भाजपा को चुनौती दे रहा है वो, समझ रहे हो? और एक तरफ से वो कह रहा है कि जो अखिलेश यादव है मेरा दोस्त है, अगर इन्होंने मेरा नाता तोड़ा तो मैं समाजवादी में चला जाऊंगा, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो आप कहना चाह रहे हैं कि डर रहा है बीजेपी, डर रहा है प्रधानमंत्री, वो खुद ही डरा रहा है बीजेपी को कि मैं 6 बार से सांसद हूँ, मैं मेरी बेटी मेरी बीवी सांसद है, मेरा दामाद सांसद है। भूषण जी कह रहे हैं और मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो कह रहे हैं सॉरी जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री या फिर मोदी जी कोई कह देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं कहते वो? एक सांसद बोल सकता है कि मैं सिला जीत खा के आया हूँ, इतना बड़ा बयान दे सकता है, ये प्रतिनिधि का दायित्व है, ये ऐसा इतने पे उसको तुरंत इस्तीफा चाहिए था, तुरंत चला देते हैं, जिसमें बोलता है कि वो ब्रिजभूषण बोलता है मैंने तो शिलाजीत की रोटियां खाई हैं, वो किस प्रकार का भाषण दे रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 6 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके बाद जब वो शिलाजीत का नाम लेता है तो उसपे क्यों नहीं उसपे कार्रवाई होती है? आपको बुलडोजर के समर्थन में, आप कौन बुलडोजर के समर्थन में? हम तो बुलडोजर के समर्थन में जब होंगे, जब बाबा बोलते हैं ना मट्टी में मिला देंगे, तो ब्रिजभूषण को भी मट्टी में मिला दो, हम तो बाबा का समर्थन जब करेंगे, जब इनको मट्टी में मिलाएंगे, इनका एनकाउंटर कर देंगे, तब हम बाबा को क्या भाजपा को भी समर्थन करवाना। अरे तो मैडम 38-38 धाराएं लगी है, 38-38 और क्या है, ये शरीफ आदमी है और जानते हो ना, अजय टेनी ने क्या किया था किसान आंदोलन में, सबको पता है खीरी में क्या किया था, और वो अभी कहाँ पे, अजय टेनी कहाँ पे है, कोई भाई यहाँ पे सारे देख रहे हैं, सबको पता है अजय टेनी कहाँ पे है। अब उनका जब कत्ल हुआ, उनको रोड पे मारा गया, क्या उनके घर के लोग, क्या जो अभी महिलाएं बैठी हैं वो उनका क्या सपोर्ट नहीं कर रही होंगी? कर रही होंगी, क्योंकि उनके घर में भी जो ऐसी हिंसाएं हुई हैं, ऐसे कत्ल हुए हैं, वो भाजपा के जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे देश के बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे लाइटें काट दी जा रही हैं, पंखा सब कुछ हटा दिया, कब तक आप लोग कर पाएंगे? अरे हम फिर भी डटे हैं, हम नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, भैया बिहार से आए हैं, भैया तो दिल्ली के हैं, लेकिन हम फिर भी डटे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो बिजली काट ले। आंदोलन हमारा कितना चला था, आंदोलन तो चलेगा, अभी बरसात हुई थी ना, बरसात में ही बैठे हुए थे यहाँ पे, तो चाहे। और अभी परसों पता है अमित शाह ने पुलिस वाले हमारे दिल्ली पुलिस को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा आंदोलन को भंग कर दो, आंदोलन भंग हो गया, आंदोलन भंग हो गया, आप देख रहे हो ना आंदोलन चल रहा है, अब ये और बड़ा आंदोलन बनेगा, ये देश की बेटी जिंदाबाद, देश की बेटी जिंदाबाद, देश की बेटी जिंदाबाद।
आंदोलन किस तरीके का रुख ले रहा है, ये लोग हार नहीं मानेंगे। आपको एक बार हम फिर से ये तस्वीर दिखाएंगे, आपराधिक इतिहास जो है ये दिखाएंगे कि कितनी धाराओं में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ केस और मुकदमा दर्ज है। और उधर एक तरफ आप देखेंगे जो उन लोगों ने पदक जीते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे सारी पोस्टर्स लगी हुई है, सारी तस्वीरें लगी हुई है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठ रहा है, हर बार उठ रहा है कि कब तक इनको धरना देना पड़ेगा, जब राष्ट्र का नाम ऊंचा करने वाली, भारत का नाम ऊंचा करने वाली बेटियों के साथ ये हो रहा है तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा? आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।